हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत के फिर से एक नए वीडियो में। मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आ चुका हूं गाइस, रियलमी के C53 डिवाइस के बारे में। एंड आज के अपने टॉपिक होने लगे गाइस, क्या अपने फ़ोन में इंटरनेट एंड मोबाइल नेटवर्क की प्रॉब्लम को गाइस कैसे सॉल्व करेंगे, हम आपको बताएंगे आज के इस वीडियो में। अगर गाइस आप अपने फ़ोन में इंटरनेट एंड गाइस मोबाइल नेटवर्क की प्रॉब्लम से गाइस काफ़ी ज़्यादा जो है परेशान है, तो हम इन सभी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे ओनली 2 मिनट में गाइस, मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ ऐसी 4 ट्रिक। तो चलिए, जाने से पहले वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। एंड अपन चलते हैं गाइस अपने फ़ोन की सेटिंग में और बात करते हैं टॉपिक के बारे में, जिससे गाइस आप अपने फ़ोन की सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले गाइस आप अपने फ़ोन की सेटिंग ऑन करेंगे, देन गाइस आपको चले जाना अपने फ़ोन के नेटवर्क एंड इंटरनेट कनेक्शन में। आप इस पर गाइस क्लिक करते हैं तो गाइस आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिलता है मोबाइल नेटवर्क का, आप इस पर क्लिक करेंगे तो गाइस आपको यहाँ पे जो है अपने फ़ोन में एक बार चेक कर लेना कि अपने फ़ोन में गाइस सिम कार्ड इनेबल है या नहीं। तो सिंपली गाइस देखिए अपने फ़ोन में सिम कार्ड इनेबल चल रही है। अपन गाइस अब बात करते हैं सेकंड ट्रिक के बारे में। आपको अपने स्टेटस बार को गिरा लेना है, देन गाइस आपको यहाँ पे देखिए अपने फ़ोन में आपको एक ऑप्शन मिलता है एरोप्लेन मोड का, आप इस पर गाइस एक बार जो है ऑन ऑफ कर लेंगे, इससे अपने फ़ोन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अपन अब बात करते हैं सेकंड यानी कि थर्ड ट्रिक के बारे में। आपको चले जाना अपने फ़ोन की सेटिंग में, देन आपको सिस्टम क्लिक करेंगे तो आपको नीचे में देखिए ऑप्शन मिलता है गाइस, अगर आप नीचे में स्क्रॉल करते हैं तो रिसेट फ़ोन का यानी कि रिसेट ऑप्शन का, आप इस पर क्लिक करेंगे। देन गाइस आपको यहां से अपने नेटवर्क सेटिंग को जो है रिसेट कर लेना है। यहां पे आपको देखिए वाईफाई का, मोबाइल डाटा का एंड ब्लूटूथ का ऑप्शन मिलता है, आप रिसेट सेटिंग पर क्लिक करेंगे। एंड गाइस आपके फ़ोन में जो सेटिंग थी नेटवर्क वाली गाइस ऑटोमेटिकली रिसेट हो जाएगी। एंड गाइस आपको जो अपने फ़ोन में प्रॉब्लम आ रही थी अब बिल्कुल भी नहीं आएंगी। तो इस प्रकार से गाइस आप अपने फ़ोन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं फोर्थ टिप्स के बारे में। आपको गाइस करना क्या है, अपने आप फ़ोन को जब एक बार रिबूट कर लेंगे तो उसमें गाइस आपको पावर बटन जब भी आप प्रेस करते हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है रिबूट का, तो गाइस आप वो भी अपने फ़ोन में ट्राई कर लेंगे तो इन सभी प्रॉब्लम यानी कि आप इन सभी चीज़ों से गाइस अपने फ़ोन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।